कांची बाबा का ये है धूप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एलेवन और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आ गई हूँ कांची धाम। तो आप लोगों को जो है, मैं हमेशा से न्यू ब्लॉग को लेके आती हूँ, तो आज मैं आ गई हूँ कांची धाम। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो है मंदिर और जो भी स्थान है सब चीज़ दिखाती हूँ, पूजा कैसे होती है और यहाँ पे क्या क्या है। चलिए, तो मंदिर का ये प्रवेश द्वार है श्री कृष्ण अवतार बाबा रामदेव मंदिर कांची धाम। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अब जो है यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे। अगर कोई दूर से आते हैं तो और उसे जो है स्टे करना हो तो यहाँ पे स्टे कर सकता है। और यहाँ जो है हॉस्पिटल है, अगर किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो है वो रुक सकता है, यहाँ पे दिखा सकता है, चिकवा करा सकता है। यहाँ पे जो है प्रसाद के लिए यहाँ पे है प्रसाद, आप लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे है कितना अच्छा, यहाँ पे ग्रीनरी है देख सकते हो। और यहाँ जो है गणेश मंदिर, प्रवेश करते ही जो गणेश मंदिर का पहले पूजा कीजिए, उसके बाद जो आप कहीं और जाइए। मंदिर के अंदर का रास्ता, मंदिर के अंदर का रास्ता ये है। ये रास्ता है मंदिर के अंदर जाने का। और ये हम जो है मंदिर के अंदर जो है अभी जो है द्वार बंद है। तो फाइनली गाइस, मैं मंदिर के अंदर और जो है ये द्वार भी खुल चुकी है। तभी द्वार खुली नहीं थी तो मैं वेट कर रही थी, तो अब जो है 1 बजे के बाद जो है द्वार खुल जाता है, तो मैं जो है मंदिर के अंदर हूँ। चलिए भगवान से मिलते हैं। मंदिर खुल गया है और ये जो है भगवान का दर्शन। देखिए डेकोरेट किया गया है, ये मंदिर कैसा लग रहा है कि आपको बहुत शांति मिलेगी यहाँ पे आके। मंदिर लग रहा है पूरा सोने का बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि उसका जो है मंदिर से उतर रहे हैं। बहुत गर्म है, ये जो है इसमें मैट रखा हुआ है पर फिर भी जो है बहुत गर्म लग रही है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ। धूप अगरबत्ती के लिए यहाँ पे जगह बनाए रखी है और नारियल फोड़ने के लिए ये जगह बना रखी है। जो है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके मैं इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, शांति मिली। और मैं चाहूँगी यहाँ पे मैं दोबारा आऊँ, फिर से आऊँ। तो फिलहाल तो यहाँ बहुत गर्मी है, फिर भी मैं यहाँ पे गर्मी में आई हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे जो भी है बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं निकली हूँ यहाँ से और आप लोग ज़रूर बताइएगा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय।